हेलो गाइस, द गन्नू किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ पोहे का बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता, जो आपको बहुत पसंद आएगा और फटाफट से बन जाता है। इसमें आपको कचौड़ी और मट्टी दोनों का ही बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ। और ये बहुत ही, देखो अंदर से कितने सॉफ्ट और बाहर से उतने ही क्रिस्पी है। प्लीज इसे जरूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही टेस्टी है। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया एक कप पोहा। रेगुलर जो आप पोहा बनाने में यूज करते हैं वैसा पोहा, ना मोटा ना ज्यादा पतला। अब इसे हम वॉश कर लेते हैं। अब मैंने इसको वॉश कर लिया है। अब इसमें मैं पानी डाल दूंगी। एक कप हमारा पोहा था तो आधे कप के अंदाजे से मैं इसमें पानी डाल दूंगी ताकि पोहा अच्छे से भीग जाए। बस भिगोना हमें, इस अंदाजे से हमें पानी डालना है। अब पोहा हमारा अच्छे से, आप देख सकते हैं, अच्छे से डूब गया है। बस इससे ज्यादा पानी हमें इसमें ऐड नहीं करना। मैं इसे 10-15 मिनट के लिए फूलने के लिए रख देती हूँ ताकि अच्छा फूल जाए। अब इसे 15 मिनट हो गए, तो देखते हैं अच्छा फूल गया। देखो पानी इसने पूरा अब्सॉर्ब कर लिया। अब इसे हम एक डो की तरह तैयार कर लेंगे, इसको ऐसे मसल लेंगे। अब मैंने लिया एक कप बेसन। यहाँ पे हम बेसन का इस्तेमाल अभी आधा करेंगे, थोड़ा हमने रोक लिया। दो हरी मिर्च। अब इसमें ऐड करूंगी मैं बारीक कटा हुआ धनिया, दो बड़े चम्मच, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, इससे कलर भी बहुत अच्छा आएगा। क्रश करी हुई काली मिर्च 1/4 मैंने यहाँ पे लिया, लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, अदरक का पेस्ट आधा चम्मच। अब एक कटोरी मैंने यहाँ पे लिया पालक, जिससे हमने पोहा नापा था उतना ही ये पालक है, जो इसे हेल्दी भी बनाएगा और टेस्टी भी। मैंने यहाँ पे लिए कसूरी मेथी 1 बड़ा चम्मच, इसे भी मैं क्रश करके डाल दूंगी। यहाँ पे लिए मैंने अजवाइन, इसे मैं क्रश करके डाल दूंगी, इससे इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। और क्रश करने से इसमें इसकी जो स्मेल है वो भी बहुत अच्छी आती है। अब इन्हें मैं मिला लूंगी और एक डो की तरह हम इसे तैयार करेंगे। अभी मैं इसे थोड़ा सा बेसन और डालूंगी। सारा बेसन एक साथ नहीं डालना, हमें धीरे धीरे डालना है, जितना भी जरूरत हो। अगर आप पोहा ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो जिस कटोरी से आपने पोहा नापा है उसी कटोरी से आप बेसन रख लें और उसी के अंदाजे से बनाएं। इसमें मैंने तेल गरम कर लिया और इसमें डालूंगी मैं 2 बड़े चम्मच तेल। इससे हमारा जो ये पोहा का नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। यहां से गरम है, वहां से हमें नहीं छूना, थोड़ा पलट के छूना है बहुत ही सावधानी से। और इसे हम मिला लेंगे। अब बचा हुआ बेसन भी हम इसमें मिला देंगे। फाइनली हमारा सारा बेसन इसमें ऐड हो गया। और इसे थोड़ा चिकना कर लेंगे। देख सकते हैं बिल्कुल ये डो की तरह हो गया एकदम परफेक्ट। अब हाथ को करेंगे हम थोड़ा चिकना। और एक नींबू की साइज की गोली लेके मैं मट्ठी वाली शेप इसको दे देंगे। इस तरीके से सभी हम बना लेंगे। तेल को चेक कर लेते हैं, तेल हमारा वैसे गर्म है। हमारी जो बॉल है वो ऊपर उठ के आ गई। तेल हमें इतना ही गर्म चाहिए, ज्यादा गर्म होनी चाहिए। फ्लेम को हमने मीडियम कर रखा है। और अपनी ओर के मट्टी है इनको तलेंगे। बना के रखने की कोई जरूरत नहीं, साथ साथ बनाते जाओ। अब इन्हें गोल्डन ब्राउन करेंगे। अभी अच्छी क्रिस्पी हो गई है, आप देख सकते हैं कलर भी इनका बहुत अच्छा आ गया और इनमें से खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। ये अच्छा ब्राउन करेंगे। गैस को आप मीडियम में रखें ताकि अच्छे से
इनमें मट्ठी का स्वाद, कचौड़ी का, दोनों का स्वाद आपको आएगा। और साथ ही साथ हम बनाएंगे हरी वाली चटनी खाने के लिए। अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ, ये एकदम बढ़िया सिक गए, एकदम परफेक्ट। छन्नी को ऐसे तिरछा कर लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। और आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी बने, वाओ। और इनमें खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है। और बाकी भी हम इस तरीके से ही बना लेंगे। अब ये वाले भी हमारे बन गए और इन्हें हम निकाल लेंगे। अच्छे क्रिस्पी हो गए हैं ये भी। अब गैस को कर दूंगी मैं बंद। अब मैंने सभी ये बना लिए, अब हम बनाएंगे अपनी ग्रीन चटनी। अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ ग्रीन चटनी, हरे धनिया वाली। हम इसकी डंडी नहीं हटा रहे, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। 5 लहसुन की कलियां इनके थोड़े कट करके डाल देंगे ताकि अच्छे से भिज जाए। और 5 मैंने यहाँ पे लिए हरी मिर्च, इन्हें भी बड़ा बड़ा काट देंगे। मैंने थोड़ी सी अदरक ली है यहाँ पे। अब इसमें ऐड करूंगी मैं नमक 1/2 चम्मच। जीरा 1/2 चम्मच। और इसमें ऐड करूंगी मैं थोड़ी सी काली मिर्च की दाल। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं दही 2 बड़े चम्मच। अब इन्हें हम पीस लेंगे। अब चटनी हमारी पीस गई है। अब मैं आपको इसका एक टेक्सचर दिखा देती हूँ, अंदर से कितनी क्रिस्पी है, एकदम बढ़िया परफेक्ट। आपको इसमें कचौड़ी का और मट्ठी का दोनों का टेस्ट आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर।